अच्छा केमिस्ट्री के बाद अब है मैट्रिक, नाइन मैट्रिक का मैथ क्या है? मैथमेटिक्स। ये केमिस्ट्री के को हटाइए, अब यहाँ लगाइए मैथ, नाइन मैट्रिक। अच्छा दोनों क्लास और एट में भी है, किसमें है? जो मैट्रिक की बुक है मैट्रिक की, वो एट और नाइन दोनों में पढ़ाई जा रही है। ठीक है भाई, ये किसका बेटे का सेट वहाँ गया। चैप्टर नंबर कौन सा था? फोर्थ एक्सरसाइज 4.8 नहीं 7 थी। आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, होमवर्क दिया था ना आपको करने के लिए, नहीं किया? बुक दीजिए, आप लोगों ने कर लिया था? शाबाश, नहीं बुक दे दें मुझे प्लीज, एंड में चेक करा दीजिएगा। आप वीडियो स्टार्ट हो गए, फोर पॉइंट सेवन में देखें आपको दो पार्ट दिए थे। कोई मसला नहीं, नहीं हुए तो हम फिर कोशिश करेंगे करने की, कोई प्रॉब्लम। हिला तो नहीं, देखते रहना। ठीक है, एक्सरसाइज 4.7 पेज नंबर 88, सपा नंबर 88 निकालने में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द चौथा पार्ट करने में, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू, वेन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू थ्री। सही है, ठीक है, अभी ये कर रहे हैं छोटा सा। यार ये मैंने गलत लिख दिया क्या? कौन सा वाला बोल रहे हैं? सेकेंड बोल रहे हैं? अच्छा थोड़ी सेकेंड करो, सेकेंड वाला पूछा है इन्होंने, फरमाइश किया कि सर सेकेंड वाला बताए, तो सेकेंड वाले में ये बताना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स है। चले ये फरमाइशी क्वेश्चन, इन्होंने कहा है कि सर ये बताएं कि ये कैसे हल होगा, तो अब इसी को सॉल्व करते हैं। बासुलवा ने कर लिया, ये मैपी गुड शाबाश, लेकिन इसमें फिर से देखेंगे किस तरह से। दो फार्मूले बताए थे आपको, किसी को याद है इसके जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं वो कौन कौन से थे? बोले हाँ जी, पहला था एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ क्या था बोले? एक्स प्लस और होल स्क्वायर, फिर क्या आएगा? माइनस टू। और फिर इसका एक दूसरा फार्मूला भी यही मालूम करने का, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, उसमें क्या आता है? उसमें प्लस की जगह क्या जाता है? माइनस, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाता है और ये माइनस टू प्लस टू, याद रहेगा बहुत आसान है याद करना। अगर यहाँ प्लस हो तो बाहर टू माइनस में होता है, और अगर यहाँ प्लस माइनस में हो यानी एक्स, तो बाहर प्लस चला जाता है तो टू प्लस में चला जाता है। तो फार्मूला याद करना आसान है, ये कब लगाएंगे? जब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स गिवन होगा, और ये कब लगाएंगे? जब एक्स माइनस, तो आप क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको? एक्स माइनस, तो इसका मतलब है दूसरा फार्मूला लगेगा। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे फार्मूला, और फार्मूले का रेफरेंस पहले देते हैं, फार्मूला ये वाला है, बोलिए कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू, यस क्या आएगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का नहीं माइनस का प्लस, देखो यही फार्मूला, yes, दूसरा वाला फार्मूला यही इस्तेमाल होगा, तवज्जो है, ठीक है।
सही. नाउ पुट द वैल्यू x माइनस वन अपॉन x, इसकी जगह क्या आएगा? सर बोले x माइनस वन अपॉन x दिया हुआ है रूट फाइव. क्या दिया हुआ है? उसकी जगह अंडर रूट फाइव पुट कर देंगे. ठीक है, समझ गए? हाँ बिल्कुल. तो अब ये देखें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी जगह आ गई अंडर रूट फाइव और ऊपर है इसके स्क्वायर और बाहर है प्लस टू. सब जानते हैं कि स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर और ये रूट कट जाएंगे तो आपस में, तो क्या रह जाएगा फाइव. तो देखें क्या होगा, ये लेफ्ट साइड इसी तरह चलती रहेगी एंड तक, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कटने के बाद फाइव बचेगा, आगे प्लस का टू है, अब फाइव में टू प्लस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन. क्या रिक्वायर्ड यही है ना वैल्यू, सिंस रिक्वायर्ड. किसकी वैल्यू चाहिए थी आपको, देखो ना गौर से, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो वो वैल्यू आ गई है डेट इज सेवन. तो आंसर हो गया नहीं, ये दूसरा फार्मूला लगाया ना, क्या चीज़ बैन के बाद ये वैल्यू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की गिवन थी, वो वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की जगह क्या आ गया अंडर रूट फाइव, तो वही वैल्यू तो पुट की है तभी तो जवाब आया. अगर ये वैल्यू पता नहीं होती तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर भी मालूम नहीं होता. समझ गए बात को? हाँ उतार लेना है, बिल्कुल टाइम है आपके पास. ओके, उसके बाद इसका एक पार्ट मैं चाह रहा था और कर लें एक्स फोर वाला, जिसमें क्या लिखा हुआ है एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स फोर, इसको हाँ बिल्कुल उतारिए. ठीक है, और उसको